नमस्कार, मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं द पंचायत। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कांग्रेस के नेता लगातार मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते आए हैं। कांग्रेस के नेताओं में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। ये तो सभी को पता ही होगा कि मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद राहुल गांधी ने किस तरह इस फैसले के खिलाफ लगातार ट्वीट किए थे, साथ ही बयान भी दिए थे। राहुल गांधी द्वारा दिए बयानों को ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने सुना और देखा है। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौके का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी के बयान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि पहले जहां राहुल गांधी सरकार के फैसले के खिलाफ थे, वहीं उन्होंने 28 अगस्त को आखिरकार अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक राहुल गांधी जुबान और तेवर दोनों ही बदल गए? दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर भेजी है, जिसमें इमरान खान ने राहुल गांधी का नाम इस्तेमाल किया है, साथ ही उनके द्वारा दिए गए बयानों का भी इस्तेमाल किया है। इमरान खान ने राहुल गांधी के बयानों का जिक्र जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले के विरोध में किया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का भी यही मानना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और वहां लोगों को मारा जा रहा है। चिट्ठी में राहुल गांधी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का भी नाम शामिल है। हालांकि इस खबर के सामने आते ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब राहुल के बचाव में आगे आ रही है। राहुल गांधी ने बुधवार 28 अगस्त को ट्वीट कर लिखा कि वो सरकार के कई फैसलों के खिलाफ हैं, लेकिन इस बात से सहमत भी हैं कि कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और कश्मीर मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि पाकिस्तान राहुल गांधी के बयानों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान यूएन में अपने झूठ को सच साबित करने के लिए राहुल गांधी के नाम का फायदा उठा रहा है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर जो गर्मा गर्मी का माहौल हुआ है, उसमें बीजेपी भी चुप रहने वाली नहीं थी। जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का बचाव करने के लिए सामने आए, तो बीजेपी के नेता भी कांग्रेस को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर जगह मुक्की खाने के बाद पाकिस्तान के पास अब आखिरी सहारा कांग्रेस ही बचा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने भारत को बहुत जख्म दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसके बाद राहुल गांधी ने अपना बयान दिया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ विरोध किया था, उसके बाद ऐसा होना तो संभव ही था। आखिर पाकिस्तान को अपनी बात रखने के लिए किसी सहारे की तो जरूरत होती ही है और इस बार उनका सहारा राहुल गांधी बने हैं। आपको बता दें कि जब से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया है, तब से ही पाकिस्तान ने चैन की सांस नहीं ली है। ऐसे में पाकिस्तान वो सभी मुमकिन कोशिशें कर रहा है जिनसे वो भारत पर दबाव बना सके और भारत सरकार को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन पाकिस्तान के इन इरादों में उसे हर बार नाकामी ही हासिल हुई है। जहां कई बड़े देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला कहकर अपना पक्ष साफ कर दिया, वहीं कुछ देशों ने इस मामले में चुप रहना ही बेहतर समझा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन ने भी इस मामले को भारत का आंतरिक मुद्दा बता दिया है। ऐसे में पाकिस्तान राहुल गांधी को अपना आखिरी विकल्प बना रहे हैं। देखना अब ये होगा कि राहुल गांधी के बयानों ने जो भारत को नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस उसको कैसे पूरा करेगी और अपने बचाव में किस तरह के नए बयान देगी। कैमरे के पीछे हैं अशोक, मैं सोनम राठौर, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपके पास हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है जिससे हमारी वीडियो को बेहतर बनाया जा सकता है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।